नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फॉरबिसगंज और जोगबनी के लिए गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और गुड न्यूज़ ये है कि फॉरबिसगंज का प्लेटफॉर्म और शेड जो है वो बढ़ाए जाएंगे और इसके साथ ही जोगबनी में वॉशिंग पिट और सिंक लाइन को रेलवे बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल गई है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरबिसगंज में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। तो अब फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर जो है ट्रेन भी नहीं लगेगी और ना ही शेड के अभाव में यात्रियों को चिलचिलाती हुई धूप में बारिश में दौड़ भागकर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर जो है 500 मीटर किया जा रहा है और 30 से 35 मीटर शेड की भी बढ़ोतरी की जा रही है। और इसी सिलसिले में शुक्रवार को पूर्णिया IOW रुपेश पंजार ने अधिकारियों के साथ प्लेटफॉर्म और शेड का मुआयना भी किया और इस पर विचार विमर्श भी किए। स्थानीय स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार झा सहित कई और भी अधिकारी मौजूद थे और उनके मौजूदगी में मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दरअसल प्लेटफॉर्म संख्या एक को बढ़ाकर 500 मीटर किया जा रहा है और 30 से 35 फीट शेड की भी बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे शेड जो है वो 100 मीटर लंबा हो जाएगा और उसके अलावा प्लेटफॉर्म जो है वो 500 मीटर की हो जाएगी। और काम शुरू करने को लेकर जो है निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दूं, जोगबनी आनंद विहार जो सीमांचल एक्सप्रेस है और चितपुर एक्सप्रेस जो जोगबनी से कलकत्ता के बीच चलती है, इसकी कई बोगियाँ जो है वो प्लेटफॉर्म से बाहर ही रह जाती थी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती थी। अब जो है वो परेशानी दूर होने जा रही है और प्लेटफॉर्म के पास में बने सर्कुलेटिंग एरिया का भी निर्माण जो है वो पूरा कर लिया गया है और रेक पॉइंट जो है 1 से 2 दिन में इस्तेमाल में लिया जा सकता है। ठेकेदार ने बताया कि CRS ने आज से ही रेक पॉइंट का जो है शुरू करने का निर्देश भी दे दिया है। और दूसरी जो अपडेट है वो जोगबनी में वॉशिंग पिट को लेकर है और सिक लाइन को रेलवे बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल गई है और जल्द ही पूर्णिया और अररिया जिला के रेल मानचित्र पर आ जाएगा। जोगबनी स्टेशन से अररिया पूर्णिया होकर कटिहार की ओर नई नई ट्रेनें जो है वो खुलेंगी, क्योंकि इस बार के रेल बजट में जोगबनी में वॉशिंग पिट और एक कोच लंबाई के सिक लाइन को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर फंड भी अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब डिवीजन स्तर पर इसके टेंडर की तैयारी की जा रही है। अब एक और जो खबर आ रही है वो भी आपको हम बता देते हैं। और सहरसा फॉरबिसगंज रेल परिचालन के संबंध में पूछे जाने पर निरीक्षण कर रहे रेल अधिकारियों ने बताया कि सहरसा फॉरबिसगंज जोगबनी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए रेलवे तैयार है और सारी प्रक्रिया जो है लगभग पूरी हो चुकी है और सहरसा रेल लोको पायलट को लर्निंग भी करा दी गई है और रेलवे बोर्ड के निर्देश का बस इंतजार है। निर्देश मिलते ही सहरसा फॉरबिसगंज जोगबनी तक ट्रेन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी फॉरबिसगंज जोगबनी और सहरसा रेलखंड के बारे में जो मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।